इंसानियत की खिदमत की बुनियाद पर मौलाना सज्जाद मेमोरियल अस्पताल अपने स्थापना काल 1988 से लगातार पोलियो, कालाजार, कैंसर सहित अन्य विपदाओं की घड़ी में समाज के हर धर्म मजहब वर्ग के लोगों को सेवा करता चला रहा है। इसी इंसानी खिदमत को आज कोरोना संकट से समाज को उभारने के लिए इमारत शरिया और मौलाना सज्जाद मेमोरियल अस्पताल पूरी लगन और तन्मयता के साथ काम कर रहा है। मौलाना शिबली अल कासमी ने कहा कि सभी लोगों को कोरोना से बचाव का वैक्सीन लेना चाहिए। जिस तरह भारत पोलियो मुक्त हो रहा है, उसी तरह भारत कोरोना मुक्त भी होगा। इमारत शरिया के अस्पताल मौलाना सज्जाद मेमोरियल अस्पताल के डॉक्टरों की टीम लगातार मुफ्त सलाह देने का काम कर रही है। इमारत शरिया के सभी एम्बुलेंस मरीजों की सेवा के लिए तत्पर है। इसी प्रकार इस साल कोरोना की दूसरी लहर जो पहली लहर से ज्यादा भयंकर थी, इस अवधि में भी इमारत शरिया की सेवाओं का सिलसिला लगातार जारी है। बस लोगों को सरकार की गाइडलाइन का पालन करने, विशेषकर धार्मिक स्थलों का, सार्वजनिक स्थानों पर सरकार के निर्देशानुसार अमल करने की जरूरत है। कोविड 19 से ग्रसित मरीजों की सेवा के लिए हमारे सेवादार हर समय तत्पर है। इमारत शरिया के पास वर्तमान में 3 एम्बुलेंस है जो दिन रात मरीजों की सेवा में व्यस्त है। इसी प्रकार मौलाना सज्जाद मेमोरियल अस्पताल के द्वारा चिकित्सकीय सुविधाएं पहुंचाने का हर संभव प्रयत्न किया जा रहा है। अस्पताल के सचिव मौलाना सोहेल अहमद नदवी ने कहा कि मौलाना सज्जाद मेमोरियल अस्पताल ने सदैव ही मानवता की सेवा हेतु अपने संसाधनों का यथासंभव उपयोग किया है। कोरोना महामारी के समय में भी हमारी सेवाएं लगातार जारी हैं और जारी रहेगी। सरकार से भी हमारा आग्रह है कि वह सभी लोगों के टीकाकरण को सुनिश्चित करे। इस महामारी से निपटने में प्रशासन को इमारत शरिया का सहयोग दरकार हो तो हमारा अस्पताल और हमारे डॉक्टर तथा स्टाफ हर समय तत्पर है। वैक्सीन की जरूरत ही नहीं है, कोई कह रहा है कि वैक्सीन से औलाद नहीं बाद में पैदा होगा, यानी तरह तरह की भ्रम फैलाए जा रहे हैं, लोग फैला रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वैक्सीनेशन हम उनका तमाम लोगों का इस बात से दूर करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जब बच्चे पैदा होते हैं, चाहे घर पे हों या हॉस्पिटल में हों, तो हम पैदाइश से लेकर उसके 6 महीना बाद तक भी, साल भर बाद तक भी 1 दर्जन वैक्सीन हम लोग दिलवाते हैं और उस वैक्सीन का कोई जांच तो नहीं करता है। वो वैक्सीन जो साइंटिस्ट ने बनाया है और जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, वो वैक्सीन की 1 महीना पर ये वैक्सीन देना है, 2 महीना पर ये वैक्सीन देना है, फिर खसरा का देना है, टीबी का देना है, पोलियो का देना ये भ्रम कौन लोग फैला और है? सभी वैक्सीन हम विश्वास पे लेते हैं अपने साइंटिस्ट और डॉक्टरों के कि ये वैक्सीन हमारे बच्चों के हित में है, हमारे बच्चे के लिए ये फायदा करेगा, हमारे बच्चों के रक्षा के लिए ये वैक्सीन है। हम लोग विश्वास करके, ब्लाइंड फेथ करके वैक्सीन लेते हैं कि नहीं लेते हैं, लेकिन उस वैक्सीन से लोगों को क्या, बच्चों को नुकसान होता है? नहीं होता है, वही माइल्ड जो साइड इफेक्ट होते हैं, किसी बच्चे को बुखार आ गया, किसी बच्चे को दस्त हो गया, फिर वो हल्का फुल्का दवा हुआ ठीक हो गया। इसी तरह से जो अन्य वैक्सीन है, ये भी वैक्सीन है, कोरोना का वैक्सीन। आपको याद होगा कि पोलियो के वैक्सीनेशन के टाइम भी यही भ्रम फैलाया जा रहा था कि वैक्सीन लेने से पोलियो का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत अभियान चला और उसमें भी हमारा शरिया ने बहुत रोल अदा किया था और तमाम सामाजिक संस्थाओं ने और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने, तब जा कर के पोलियो के खिलाफ जो अभियान चला, वैक्सीनेशन का, वो सफल हुआ। भारत सरकार से कह रहे हैं कि जो आपने वादा किया है कि फ्री में, जब चुनाव चल रहा था तो कह रहे थे कि भाई फ्री में बांटेंगे, लेकिन भारत सरकार ने तय कर दिया कि बिहार में पैसा नहीं देगा तो वैक्सीन नहीं मिलेगा। हमको बिहार सरकार को पैसा देना पड़ता है तब मिल रहा है, जनता में फ्री मिल रहे हैं। और अलग अलग दर है, कुछ लोगों को 800 में दे रहे हैं, कुछ लोगों को 600 में दे रहे हैं, बल्कि हमको मांग है कि भारत सरकार पूरी तरह से जो आपने वादा किया है फ्री में दे। ये चीज़ें तो हो गई सरकार की बात, लेकिन जो धरातल की बात की जाए, खासकर फुलवारी शरीफ का एरिया जो है, आप यहाँ विधायक हैं, वहाँ दलित परिवार में महिलाएं, बच्चे या बुजुर्ग अभी भी वो वैक्सीनेशन नहीं ले रहे। आप तो अभी बोले कि भ्रम ऊपर से फल, अब 18+ लोगों का सुई नहीं है तो कौन भ्रम फैला रहा, भ्रम सरकार तक फैल रहा है। लेकिन सरकार तो वैक्सीन लेने के लिए बोल रही है, दे रही है, 2+ वाले मिल रहा है बिहार में। आप ही बताइए, आप सब पूछना चाहते हैं, लेकिन जो 45+ है, हम आपसे पूछना चाहते हैं, बिहार में या
बिहार में कई वैक्सीनेशन अच्छा चल रहा है, 18+ वाला चल रहा है अभी तो, 2-3 दिन से बंद हुई है, इससे पहले तो चल ही रहा था। क्यों बंद है? इसका मतलब है कि आप देना नहीं चाहते हैं। बड़े पैमाने आज रह गए कौन लोग, जो समाज के सबसे कमजोर तबका है, जो आप कहते हैं कि मुस्लिम, जो कहते हैं दलित, ये कमजोर तबका है। बड़े लोग तो सुई ले लिया है, यही लोग बड़े सुई ले लिया है, और बड़े लोग सुई लिया भ्रम पैदा कर रहे हैं। आज गरीबों की जरूरत है, जब गांव में चला गया है, शहर से गांव में चला जा रहा है, वो उसको वंचित करना चाहते हैं। हमको सबसे जरूरत है सुई देने का, तो हमको भ्रम पैदा कर रहे हैं, सरकार दे। बहुत से दलित लेने के बस्ती में बुजुर्ग लोग भी इंजेक्शन नहीं ले रहा है, उनको जानकारी ही नहीं है। भ्रम किसने पैदा किया? खोजबीन करने की जरूरत है कि नहीं? भ्रम किसने पैदा किया? आप कितना जागरूक कर रहे हैं लोगों को? हम यहाँ पर 2-3 दिन जो खुद जो है जीप से अपने माइक देखे, माइक लगा हुआ मेरा जीप में, मैं गाड़ी में, और खुद पूरे फुलवाड़ी विधानसभा केंद्र अंदर में, पुनपुन में, शहर में, बाजारों में, प्रखंडों में, फुलवाड़ी में, सब जगह प्रचार किया। 3 टेम्पू से प्रचार किया गया कि सुई लेना अनिवार्य है, वैक्सीन लेना अनिवार्य है।